मुझे लगता है कि यू नो मेरे लिए भी एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी थी यू नो टू कोलैबोरेट एंड डू अ हिप हॉप ट्रैक, क्योंकि फिल्म म्यूजिक काफ़ी मैं कर चुका हूँ. नॉन फिल्म म्यूजिक स्पेस में भी यानी बहुत सक्सेसफुल सिंगल्स रह चुके हैं मेरे. बट इससे पहले भी एक सिंगल था तेरा शहर जो मनोज मुंतशिर ने किया, और वो भी एक यंग आर्टिस्ट के साथ था. तो मुझे लगा कि यू नो जवान ऑल्सो हैज़ दैट हंगर दैट फायर एंड उसकी एक इनर वॉइस है जो मैं कनेक्ट हुआ उससे एंड वी डिड दिस सॉन्ग. क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसने जो कहानी यू नो लाई है आगे, उसमें कहीं ना कहीं मुझे मेरी कहानी भी जुड़ी हुई मिलती है कि ये जंग है अपने आप से. तो आई फेल्ट वेरी गुड टू कोलैबोरेट विद हिम एंड यू नो मेक दिस ट्रैक. एंड आई थिंक ये बहुत अभी नर्वस है बट बहुत अच्छा काम किया उसने. जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे को काफ़ी खुशी हुई अमल के साथ काम करके, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और मैं चाहता हूँ कि अगला कोलैबोरेशन भी मेरा उनके साथ ही हो. लेट्स सी. और कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत किया आपने, क्या इंस्पायर किया आपको, क्या चैलेंजेस सब कुछ बताइए अपने बारे में. चैलेंजेस तो काफ़ी सारे थे, और शुरुआत में तो बेसिकली एक आर्टिस्ट को अपना वाइब मैच करना पड़ता है. सो हम दोनों ने किया, हमने काफ़ी सारे जैमिंग सेशंस किए और वाइब मैच हो गया, और आज हमने गाना लॉन्च कर दिया. हाँ, ये बता रही है कि इस तरह के कल्चर को आप कितना समझते हैं इंडिया में, कितना ज़्यादा मतलब जब से गली बॉयज आई है yes. तो डेवलप हुआ है, आई थिंक गली बॉय की वजह से इस जॉनर को यानी बहुत प्यार मिला है. और यू नो ये इंडिया की सच्ची आवाज़ को है ना रेवोल्यूशनरी वे लाता है. हिप हॉप ऑलवेज स्पीक्स अबाउट रियलिटीज़ या यू नो एक सब्जेक्ट को लेके. आई थिंक गली बॉय वॉज द फर्स्ट स्टेप जो हिप हॉप यू नो बहुत बड़ा हुआ इंडिया में, एंड उससे स्टेप बाय स्टेप आई थिंक सब लोग अपनी एक स्टोरी कहना चाहते हैं हिप हॉप के थ्रू. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन यू नो, क्योंकि उसमें एक अलग ही यू नो ऑनेस्ट तरीका दिखता है. फिल्म्स के लिए हम लोग किसी और की सिचुएशन पे गाने बनाते हैं, पर यहाँ खुद की कहानी बता रहे. तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव अहेड इन म्यूजिक. आल्सो आपने जवान के साथ काम किया, हाउ वाज ही, हाउ ही इज एज अ सिंगर एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने बहुत सारे कोई भी सुपर हिट टेक नहीं दे देता, सब लोग मेहनत करते हैं. तो इसने भी बहुत मेहनत की एंड 50-60 बार यू नो आके स्टूडियो में सेशंस में मेहनत की, गाए हर एक जगह जाए. नहीं मैं नहीं भी होता था तो खुद जाके ही वुड रिकॉर्ड एंड प्ले टू मी. तो आई थिंक वो मेहनत बहुत हुई उनकी तरफ से एंड ही वर्कड एवरी डे एंड दैट ऑल्सो इंस्पायर्ड मी. क्यों ना कि एक आदमी अपने ट्रैक के प्रति इतना काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है एंड इतने ऑप्शंस ऑफ वॉइसेस दिए उसने, तो आई वाज रियली हैप्पी यू नो वर्किंग विद हिम. बहुत अच्छा था, इज अ गुड सिंगर. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद कमाल एंड हु इज योर इंस्पिरेशन एज अ सिंगर? एज अ सिंगर माय इंस्पिरेशन इज ट्रेविस स्कॉट एंड मैं उनके गाने काफ़ी सारे सुनता हूँ, और मुझे इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और मैं चाहता हूँ कि इनके साथ ही काम करूँ और आगे. I think more than even singing, na, you have to know that he is a performer, rapper. You know, so his following, jisko wo, you know, dekh ke inspired hai, wo sab Western artists hai. Jaise isme bhi we have Ram Riddles, who is a very, very talented, you know, upcoming artist from outside. And I'm really happy that he said yes to collaborate, you know. So, bahut hi ek achha international collab bhi hai in a way. And from here, mere liye music production for a new artist karne mein mujhe maza aaya ki main hip-hop scene mein kuch karu. Ye aapka bhi pehla hip-hop song hai? Yes, I think non-film, yes. Yeah, so how was your experience and kitna challenging tha aapke liye aur क्या डिफरेंस था? आई थिंक बचपन में बड़े होते होते यू नो ये सब मैंने जॉनर सुने थे मैं काफ़ी, यानी लोगों को लगता है फिल्म म्यूजिक में ही यानी वही सुनता हूँ या वही बनाता हूँ, बट आई थिंक हर एक यंगस्टर हिप हॉप सुनता है और उससे इंस्पायर्ड रहता है. तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं कभी एक हिप हॉप ट्रैक करूँ, बट यानी मुझे इसके साथ करने में मुझे लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड यू नो गिविंग अ न्यू टैलेंट आउट एंड सपोर्टिंग दैट, ये मेरा हमेशा का एक ड्रीम रहा है कि मैं मुझे जैसे मैंने अपने आप तो नहीं किया, बहुत लोग सपोर्ट करते तो आप कहीं पहुँचते. तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इतना हुआ है, मुझे इतना मिला इन 4-5 years ऑफ माई करियर दैट आई यू नो गिव बैक टू पीपल बाय डूइंग यू नो न्यू आर्टिस्ट, न्यू जॉनर्स, न्यू कोलैबोरेशंस. पर ये जानना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पे सर्वाइव करना इतना आसान है या मुश्किल क्या है, क्योंकि जब तक बॉलीवुड से दूसरी दुनिया तक जानते हैं लोग उतना ज्यादा आपको वैल्यू नहीं करते, उसका क्या कहना? जी आई थिंक सी देखो इंडिया में क्या है, एक म्यूज़िक इंडस्ट्री एज सच नहीं थी. अब यू नो इट्स ऑलवेज बिन अ फिल्म इंडस्ट्री एंड म्यूज़िक बनता है फिल्मों के लिए, बट जो इंडिपेंडेंट सीन है आज आप देख रहे हो वो बिना लेबल भी या बिना फिल्म भी आज तक यू नो ऐसा कभी हुआ नहीं था. 90s में शायद हुआ था जब सोनू सर एंड शान सर वर डूइंग सॉन्ग्स,
बट नाउ आई थिंक अपार्ट फ्रॉम लेबल, अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स ऑल्सो, कितने गाने, कितने इंडी आर्टिस्ट है, प्रतीक कुहड़ हो या जसलीन रॉयल हो, दर्शन रावल हो, इन लोग सब ने अपना म्यूजिक खुद भार रखा है, यू नो. पर फेम मैं मानता हूँ, चलो फिल्म करने से एक आप बड़े सुपरस्टार के लिए जब आप गाते हो, उनके साथ कोलैबोरेट करते हो, परफॉर्म करते हो, वो एक आपको बॉलीवुड की ऑडियंस मिल जाती है. बट मुझे नहीं लगता कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री है, यू नो. म्यूजिक जरूरी नहीं फिल्म से जुड़ा हो. आज प्रूव हो रहा है कि कितने फिल्म गाने नहीं चल रहे जितने नॉन फिल्म के गाने चल रहे. तो आई थिंक अच्छा टाइम है म्यूजिक के लिए. अभी मैं दो तीन स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, बट साइना नेहवाल की बायोपिक पे मेरा अभी ये वीक से लाइव और सब ऑर्केस्ट्रा शुरू होगा, तो अभी एक ही बायोपिक पे काम कर रहा हूँ. जवान, इसके अलावा बहुत सारे हमने रैपर देखे, जैसे अभी रिसेंटली एमिवे है, रफ्तार है, वो लोग जो है एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. तो एज अ डेब्यूटेंट रैपर आप क्या कहना चाहेंगे? अमाल, मेरा सवाल ये आपसे भी होगा जी, क्योंकि जो रैपर है वो खुद मतलब दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. सो हाँ, डिस्क करते हैं, तो व्हाट यू वांट टू सपोर्ट इट? मेरे से तो कोई डिस्क किया नहीं है, तो बेसिकली मैं उस चीज के बारे में नहीं जानता हूँ. बट हाँ, सबका अपना अपना होता है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा. आई थिंक एक स्टाइल है, यू नो, इट डिपेंड्स कि उन लोग का वो स्टाइल ऑफ रैप है, एंड ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रैपर कम्प्लीटली. ही इज नॉट, यानी अभी पहला गाना है, इमीडिएटली पहले गाने में आप किसी को अटैक नहीं करना चाहोगे ना. बहुत जरूरी कि आप अपना म्यूजिक, अपना बेस्ट एफर्ट अहेड करो. वो एक तरीका है, वो वेस्टर्न कल्चर्स में है कि यू नो डिस रैप चलता, और वो एक अच्छी चीज़ है. उन लोग बिटवीन देम दे वॉन्टेड टू वर्क दैट, एंड यू नो वो एक तरीके का प्रमोशन भी है एक दूसरे का. Yes, I have a question there. Yes. Being a Bollywood Indian, want to know that you are into industrial rap and hip hop, yes, which is the inventive music now. So I'm very curious to know that from the Western world, yeah, who has inspired you, and also from the classical world, who has inspired you, and how would you like to express that? I think you know, music producers like Quincy Jones. Mm-hmm. These have been the people, pioneers, even like the guys who've produced music for Eminem. Yes. We grew up on these artists. Absolutely. And you know, so somewhere, even if you don't think you have hip hop in you, being an Indian, true, I think all Indian kids grew up on these artists, and you know, that's most important. You adapt to what you've learned. Exactly. And I can see a little bit of a lot of it of Eminem in your you know, tone, like when I was noticing. So maybe subconsciously that talent has grown in you. I think we all think we're Eminem, yeah. But we're not. There's only one Eminem. But you have a very unique style to yourself that is noticeable. Thank you. Yes. And that's what makes your album very interesting. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, congrats. Thank you. So lastly, you both are here. If two lines ho jaye, aapke rap ki agar audio. Chalo, karte hain. 100%. बचपन से सीखा है जो आज मेरे काम आया, पिता की दौलत नहीं साया मेरे साथ लाया, अब पैसे बोले मुझसे ज्यादा मैं ना बोलूं कुछ, हरी पति बड़ी गड्डी झूठ नहीं सच मुझ. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. आप लोग इधर ही करे, चेयर्स हटा के कर ले, चेयर हटा दो, इतना ये चेयर इतना ही ले लो, तो पोस्ट नीचे पोस्ट आए थोड़ा, अभी ऐसा कर ले.